उत्तर प्रदेश की राजनीति का आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव वापसी नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन तो बना लिया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन आखिर अखिलेश को क्या मिला? अखिलेश को मिली उत्तर प्रदेश में महज 5 सीटें। उसके बाद अब राजनीति के पंडित यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश के दिन लद गए? क्या मुलायम सिंह के सुपुत्र ने अपने पिता और चाचा की मेहनत से बनी पार्टी को मटियामेट कर दिया? क्या अखिलेश ने वह गलती कर दी कि मायावती को साथ लिया और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? या अखिलेश की हार की यह वजह बनी कि अखिलेश ने और उनके नेतृत्व में समाजवादियों ने सड़क पर उतरकर राजनीति करना छोड़ दिया? कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब या तो अखिलेश के पास है या तो फिर राजनीतिक पंडित हैं जो अपने हिसाब से अखिलेश की हार की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ नया हो रहा है जो शायद अभी नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन जिसके नतीजे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर देखने लगेंगे। अखिलेश यादव और मायावती के बीच एक नई दूरी देखने को मिली है। पिछले दिनों मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में, वे अकेले लड़ेंगे। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या महागठबंधन का अंत हो गया? ठीक इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया कि अगर मायावती चाहती है अकेले लड़ना तो उनको शुभकामनाएं। तो ये मान लिया गया कि फिलहाल के लिए ये महागठबंधन खत्म हो गया। अब अखिलेश यादव एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस रणनीति में उनका साथ दे रहे हैं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी। ये नई रणनीति है उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ करने की। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ चुकी है कि बड़े स्तर पर किया गया गठबंधन केवल और केवल यही संदेश दे रहा है कि विपक्ष मोदी को हराना चाहता है, इसलिए अखिलेश अब मुद्दे बदल रहे हैं। कोशिश यह है कि पूर्वांचल पर जो दल सक्रिय हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल सक्रिय हैं उन्हें एकजुट किया जाए, छोटी छोटी जातियों में बटे इस प्रदेश के वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित किया जाए। इसके लिए अजीत चौधरी, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ये तीन तिकड़ी काम कर रही है। और अब एक नई खबर इसमें यह आ रही है कि इस पूरी रणनीति में जयंत चौधरी ने कांग्रेस को भी साथ लेने का मन बनाया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप रखी है। उत्तर प्रदेश में शराब से लोगों की हुई मौतों का मामला हो या लोक सेवा आयोग के पर्चे बाजार में आने का मामला हो, प्रियंका गांधी हर मामले पर ट्वीट कर रही हैं। प्रियंका गांधी हर मामले पर योगी सरकार को घेर रही हैं। यानी एक नई रणनीति काम कर रही है और यह रणनीति है 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नए तरीके से घेरने की। और इस रणनीति में अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ कांग्रेस को भी साथ में ला सकते हैं। और अभी हालांकि इस रणनीति पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ इस तरह का खेल रचा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का एक नया तेवर हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही राजनीतिक के विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें। नमस्कार।